हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम, आई थिंक 8:30 के आसपास का टाइम था, और मुझे अर्जुन के साथ जाना था मार्केट, क्योंकि इसका स्कूल खुलने वाला था और हमें कुछ स्कूल के लिए उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। मतलब नीचे से ही करनी थी, नीचे मार्केट है, कहीं दूर नहीं जाना था, तो छोटी मोटी चीज़ें उसे लेनी थी। तो बस मैं निकल पड़ी थी घर से, तो अब मुझे पहले तो जाना था पार्क में, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्क में था, वो खेलने जाता है शाम को। तो बस मैं जा रही थी पार्क की तरफ ही, तो पहले सोचा कि मैं इधर से निकल जाती हूँ, लेकिन इधर क्या है ना, इधर टेनिस कोर्ट है और बच्चे टेनिस वगैरह खेलते रहते हैं, तो उनके बीच में से मुझे जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्या ही बच्चों को डिस्टर्ब करना, तो फिर मैं दूसरी साइड से वॉक करते 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 जाने लगी। तो गाइस, 1 अप्रैल से बच्चों का जो सेशन था, वो जो नया सेशन था वो शुरू होने वाला था। तो सभी लोग बच्चों के लिए शॉपिंग छोटी मोटी जो होती है वो करने जाती ही हैं, तो बस मैं भी जा रही थी। तो मैं ढूंढ रही थी अर्जुन को किधर है किधर है, क्योंकि वो साइकिल चलाता है, शाम को साइकिलिंग करता रहता है, तो ग्रुप में खेलता रहता है, तो उधर उधर भागते रहता है, कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं होती है कि भाई बच्चा वहाँ खेल रहा है। तो वहीं तो मैं उसको ढूंढ रही थी कि किधर गया है। बस मैं यहाँ अर्जुन को ही ढूंढ रही थी, अर्जुन तो पता नहीं किधर चला गया था खेलने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई थी। अब जब कोई मिल जाता है तो उससे थोड़ा बहुत तो बात करना ही पड़ता है, और वैसे भी वो मेरी डेली की ही फ्रेंड है जिसके साथ मैं वॉक करती हूँ। तो बस वो बोली चलो ठीक है थोड़ा वॉक कर लेते हैं। चलो मैंने कहा ठीक है, मैं भी थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, इतने अर्जुन भी आ जाएगा। तो यहाँ हम दोनों अपनी वही बातें कर रहे थे जो करते रहते हैं फ्रेंड्स वाली। तो बस मैं कहा ठीक है चलो एक दो राउंड मैं भी लगा लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, इतने शायद अर्जुन भी आ जाएगा। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो ऐसी कोई गर्मी नहीं हो रही थी कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, अच्छा भी लगता है। इस मौसम में वॉक करना काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम। तो बस हम करने लगे थे थोड़ी देर वॉक, तो मैंने 15 से 20 मिनट यहाँ पे वॉक किया। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हम स्टेशनरी की शॉप पे पहुँच चुके हैं, और स्टेशनरी ऑलरेडी इतनी होती है, लेकिन जब भी सेशन शुरू होता है या बीच बीच में भी रोज़ नई स्टेशनरी चाहिए, लेकिन चलो सेशन शुरू हो रहा है तो दिलाने तो बनती है। तो आ गए थे हम यहाँ फटाफट से, इसने जाने कितने पेंसिल बॉक्स देख लिए थे, हर पेंसिल बॉक्स को ही चेक कर रहा है कौन सा लूँ या कौन सा नहीं लूँ। जो पसंद आ रहे थे वो पिंक कलर के थे, गर्ल्स के जो उन पर बनी हुई थी, गर्ल्स की जो भी होती हैं फेवरेट इस टाइप की ड्राॅइंग्स। तो काफ़ी सारे पेंसिल बॉक्स हम लोगों ने देख लिए थे, कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। और भैया की जो शॉप थी उस पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल खुलने वाले थे।
तो बस हम लोग पेंसिल बॉक्स ही ढूंढ रहे थे, अभी तक तो कुछ समझ में आया नहीं था। मैं उसको बता भी दी थी कि वाला पेंसिल बॉक्स भी मुझे अच्छा लग रहा था, ये रेड वाला जो था ये, तो पता नहीं बोल रहा था कि इस पे मम्मा कुछ कार्टून वगैरह का प्रिंट है तो शायद मैम कुछ बोलेंगी। फिर ये ब्लू वाला देखने लग गया, ये ब्लू वाला मुझे पसंद आ रहा था बट पता नहीं इसे क्यों नहीं पसंद आया। ब्लू वाले पे कुछ बना हुआ था कुछ जो उसे पसंद नहीं था, सुपर हीरोज था पता नहीं कौन सा वाला, तो उसे पसंद नहीं है तो वो भी छोड़ दिया। ढूंढते ढूंढते यानी कितने पेंसिल बॉक्स निकाल लिए थे लेकिन एक पेंसिल बॉक्स अभी तक इसको समझ में नहीं आया था। और इतने सारे पेंसिल बॉक्स ऑलरेडी रखे हुए थे फिर भी इसको नया लेना था, तो वैसे भी मैंने जो उसके पुराने वाले पेंसिल बॉक्स थे तो वो मैंने जो यूज़ नहीं कर रहा था वो मैंने किसी को दे दिए थे जो उनके काम आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें थी, कितने सारे टॉयज थे। और वैसे अगर हम डेली कभी कुछ एक कोई भी चीज़ लेने आते हैं ना तो बच्चे इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टेशनरी लेने आएंगे टॉयज वगैरह को देख के इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब ये अर्जुन छोटा था ना तब ये भी यही कहता था, अब तो थोड़ा मेच्योर हो गया है लेकिन जब भी वो छोटा था प्ले में जाता था अगर हमें कुछ एक पेपर भी देना होता था ना तो हम स्टेशनरी लेने आते तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाता था, ज़िद करने लगता था। लेकिन अब ये काफ़ी समझदार हो गया, वैसी हरकतें नहीं करता है, अब तो बस पढ़ाई के ही सामान लेगा कि मम्मा ये वाली पेंसिल दिला दो वाली पेंसिल दिला दो, तो बाकी ऐसी कोई खास डिमांड नहीं करता है। तो बस फाइनली से एक पेंसिल बॉक्स पसंद यहाँ पर आ गया था जो कि हमने ले लिया। मिल्टन की है सारी, है बोतल तो तेरे पास अभी नहीं है तो ये वो नहीं है ठंडी वाली नहीं है, वो नहीं होती बेटा बोतल तो बाद में भी ले जाएंगे ना, अभी देखो की हाँ अभी बोतल तो चली रही है ना, जो चीज नहीं चल रही वो चीज ले दो, जो चीज नहीं चल रही बैग तो आएगा, जिस दिन बैग आएगा उसी दिन ले लेंगे बोतल भी। जिस दिन बैग आएगा ना उसी दिन बोतल ले लेना, और बोतल यहाँ से नहीं आएगी, बोतल आएगी आगे वाली स्टेशनरी वाली शॉप से। अभी बैग लेते हैं हॉट व्हील्स चिप्स के लिए मना करा है, घर पे खाने का ले ले। अब ब्रेड लेना है, ब्रेड जैम तो लेके जा सकते हैं है? ये वाला नहीं चॉकलेट तो लेके जा सकते हैं, किटकैट है ना ले लो, ले जा सकते हैं, कोई चॉकलेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम से पूछा है, देखी नहीं आपने डेट, मिल नहीं रहा, यहाँ देखो यहाँ देखो सिक्स फोर अर्जुन ये उठा लो, ये वाला जल्दी देर हो रही है, हाँ जल्दी से लो, तू ले लो ना ये दो स्टेशनरी दो, फॉइल पेपर तो है ना, चल बाद में ले जाऊंगी, भी लेट हो रहा है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फ्रूटी पी लो अगर फ्रूटी ले लो, नाइट में फ्रूटी जल्दी निकाल लो, अच्छा ले ले जल्दी ले ले, दे दे मत ला, ये पकड़ ये भी पकड़ो,
ये बड़ी है, छोटी नहीं है। चल मम्मा को भी दे दियो फिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिर क्रॉकरी की शॉप पे आ गए थे क्योंकि हमें यहाँ से लंच लेना था, तो ज़्यादा वीडियो में यहाँ शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम लोग फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद क्या था कि अर्जुन का नेक्स्ट डे स्कूल खुलना था, तो उसकी कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, जैसे कि उसकी जो डायरी वगैरह थी उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह मुझे मैंशन करनी थी, फ़ोटो पेस्ट करने थे पेरेंट्स के, स्टूडेंट के, तो उस टाइप की कुछ फॉर्मेलिटीज़ मैं कर रही थी। और हाँ, कुछ बुक्स पे इसका कवर भी रह गया था, तो पहले तो एक फॉर्म भी सबमिट कर, दो तीन फॉर्म थे वो सबमिट करने थे। तो बस यही फॉर्मेलिटीज़ थी जो मैं कर रही थी। यहाँ अर्जुन अपना जो स्टेशनरी का था, पेंसिल बॉक्स था, वो लगा रहा था, तो ये पेंसिल को शार्प करे जा रहा था। तो बस मैं यहाँ फॉर्म वगैरह पे साइन कर रही थी, फॉर्म वगैरह फिल कर रही थी, जो भी पेंडेंसीज थी तो वो हम दोनों ख़त्म कर रहे थे। तो पापा इसके अभी आए नहीं थे, वो थोड़ा लेट आते, तो हमने सोचा फटाफट से कर लेते हैं। तो मैं यही बोल रही थी उसको कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो क्योंकि कल स्कूल भी जाना है, क्योंकि फिर जल्दी से जल्दी स्कूल जाना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है। तो बस फटाफट से हम काम कर रहे थे, उसके बाद फिर हम सो नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा।